आकाश जी काफी आपकी बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, हाइट हेल्थ देखकर आपको तो बॉलीवुड में हीरो होना था, आपने राजनीति को चुना, क्या पारिवारिक माहौल राजनीति का था, राजनीति में आपका आना कैसे हुआ? जय जोहार सभी दर्शकों को। ऐसी कोई बात नहीं है सर, ये तो ईश्वर की देन है और सेवा करना मेरा एक काम था कि मैं शुरू से जब स्कूल राजनीति में था तो लोगों के लिए मतलब किसी को कुछ अपना अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना, फिर मैं कॉलेज में गया, कॉलेज में कुछ लोगों का एक ग्रुप बन गया हमारा, फिर वहां से ऐसी शुरुआत हुई। फिर 2003-04 में जब हमारी यहाँ सरकार थी तो माननीय विकास उपाध्याय जी ने मेरे को राष्ट्रीय ये जो उस टाइम सचिव थे उन्होंने मेरे को NSUI का जो यूनिवर्सिटी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया था पंडित रविशंकर शुक्लावाड। उसके बाद मैं लगातार NSUI, फिर यूथ कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी, उसके बाद वो मेरे को माननीय कुलदीप जी ने 2009 में मैं जब वो पहला चुनाव लड़े तब पूरे उत्तर विधानसभा में मेरे को NSUI से प्रभारी बनाया गया था। उसके साथ उनके साथ पूरे उत्तर विधानसभा में मैंने अपनी कोशिश की, अपना तन मन धन से लोगों के प्रति अपना समर्पण के भाव से काम किया और उस चुनाव को हम उत्तर विधानसभा में जीते थे। उसके बाद लगातार इस विधानसभा में और रायपुर में, उसके बाद जो मेयर चुनाव हुआ जिसमें माननीय किरणमयी नायक जी लड़ी थी उसमें भी मैंने काफ़ी सक्रियता से काम किया था। इसका ही परिणाम था कि मुझे 2013-14 में सिविल लाइन ब्लॉक का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद पार्टी ने मुझको 2019 में पार्षद का टिकट पंडित रविशंकर शुक्लावाड से दिया और यहाँ के जनमानस का आशीर्वाद है कि आज मैं यहाँ का पार्षद हूँ और रायपुर नगर निगम में संस्कृति विभाग का अध्यक्ष हूँ।